हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव हिंदुस्तान टुडे में आपका स्वागत करता हूं। आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर मनीष त्रिवेदी के नेतृत्व में मुखबर के पिक पॉइंट सिंध नदी गोराघाट के समीप दो युवकों को अवैध शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के चलते अवैध शराब का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ही डबरा सिटी थाना पुलिस ने एक मिनी ट्रक को अवैध शराब परिवहन करते हुए पकड़ा था और आज दूसरा मामला सामने आ गया। आबकारी विभाग द्वारा जिले की मदिरा दुकानों के शासकीय संचालक के दौरान राजस्व संरक्षण के क्रम में निरंतर राजस्व बढ़ाने के लिए मनीष त्रिवेदी और उनकी टीम के द्वारा जगह जगह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के चलते आज गोराघाट जिला दतिया से परिवहन करके काले रंग की होंडा शाइन बाइक पर आरोपी विशाल चौरसिया 19 एवं आरोपी नरेंद्र कटिया 19 से 7 पेटी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 34(2) का प्रकरण कायम किया गया। आपको बता दें कि पकड़ी गई मदिरा की कीमत बाजार में लगभग 2200 रुपए की बताई जा रही है। आरोपियों के द्वारा यह पेटी 2200 रुपए की लाकर बियोल में 3000 से 4000 रुपए तक ब्लैक की बेची जा रही थी। देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे। होटल बेचते हो, कितने रुपए की पेटी ली थी? 2200 की पेटी। वहाँ कितने बेचते हो? 80 रुपए का। हैं? 80 रुपए का। एक क्वार्टर बेचते हो तो पेटी कितने हुई? 3000 की हुई है ना, या 4000 की हुई? चलो ठीक। आज जो कार्रवाई की गई है कहाँ पर की गई है, कितने लोग पकड़े गए? आज ये कार्रवाई सिंध पुल के जो डबरा एंड है उस पर हम लोगों ने जाके की है और दो लड़के थे 19 साल के, आरोपी विशाल चौरसिया और नरेंद्र कोटिया, ये दोनों दतिया से 2200 रुपये की पेटी लेके अपना बिलौआ में लगभग ये लोग 3000-2700 जो भी रेट मिलता था उसकी पेटी बेचते। कितनी पेटी बरामद की है सर? 7 पेटियाँ बरामद की। कीमत कुल कितनी होगी सर? 19200 रुपये MSP के हिसाब से, सरकारी मूल्य उसके हिसाब से 19200 रुपये की है। सर अभी से आप कुछ साल में क्या खुलासा हुआ है? ये बस परिवहन करते थे दूसरे जिले से लाके अपने जिले में बेचते, तो ये ब्लैकर कहलाते हैं हमारे यहाँ, ये लोग स्मगलर है, ब्लैकर इस तरह काम करते। क्या सर ये और भी कर चुके हैं क्या सर? ये आरोपियों को देख के लग रहा था कि जिस तरह के महंगे मोबाइल ये गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो जो 19 साल के लड़के निश्चित रूप से ये और भी उसमें थे और हैबिचुअल थे, वो कहीं भी वो डर नहीं था उनके भीतर, कहीं भी वो उस तरह का नहीं लग रहा था कि पहली बार किया।